हेलो हेलो पीपल, वेलकम बैक टू रोचक फॉर स्पोर्ट्स। भाई मेरा नाम है रोचक सक्सेना। आज मैं एक रेवोल्यूशन के बारे में बात करने वाला हूँ साइकिलिंग में, जो हीरो की इलेक्ट्रिक साइकिल्स लेके आई हैं। मैं रिव्यू करने वाला हूँ हीरो की सबसे ज़्यादा महंगी साइकिल F6i। क्यों ये सबसे ज़्यादा महंगी है, इज़ इट वर्थ बाइंग दिस, फुल कंप्लीट डिटेल रिव्यू देने वाला हूँ मैं आपको इस वीडियो में। सो वॉच दिस वीडियो टिल द वेरी 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 एंड, लाइक शेयर सब्सक्राइब जल्दी 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 कर दो। एंड नाउ लेट्स गेट टू द वीडियो। सो पीपल, मैं खड़ा हूँ शौर्य साइकिल्स के यहाँ पे, जो हमें साइकिल प्रोवाइड कर रहे हैं। आज बहुत बढ़िया साइकिल शॉप है, बहुत बढ़िया, सारे ब्रांड्स इलेक्ट्रिक, नॉन गियर, गियर, हर चीज़ आपको यहाँ पे ये शॉप के अंदर मिल जाएगी। मीरा रोड मुंबई में ये शॉप सिचुएटेड है। एनीवे, अब हम चलते हैं हमारी साइकिल की तरफ। ऑलराइट पीपल, ये है F6i हीरो इलेक्ट्रो ब्लैक रेड कलर की। व्हाट अ साइकिल भाई, क्या बनाई है साइकिल। पहले हम इसके फिजिकल लुक्स के बारे में बात करेंगे, देन वील गो टू द स्पेसिफिकेशंस। ये है 27.5 इंच का फ्रेम, अगर आप लोग देख सकते हो, ब्यूटीफुल फ्रेम यार, क्या मस्त बनाया जिसने भी डिज़ाइन किया है ये, हैट्स ऑफ टू यू मैन। अब देखते हैं व्हील के यहाँ पे, ये व्हील है 27.5 का डायमीटर है, 27.5 इंच का डायमीटर है इसका। अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे, तो ये देखिए हमारा ये हैंडल है, ये भी अलॉय है, हमारा फ्रेम भी अलॉय था, ये भी अलॉय है। यहाँ पे आप देख सकते हो डिस्प्ले विस्प्ले लगाया हुआ है। मैं सबके बारे में बात करने वाला हूँ, पहले फिज़िकल लुक डिस्कस कर लें, फिर आप देखिए स्पोक्स जो यहाँ पे लगे हैं, जितने भी स्पोक्स हैं यहाँ पे, ये भी सारे अलॉय है। रिम देखो, रिम अलॉय है, पूरी साइकिल अलॉय से ही बनी हुई है, तो भाई जंग की तो कहीं गुंजाइश ही नहीं है। अगर हम चले पेडल की तरफ, तो पेडल भी अलॉय है, क्वालिटी बहुत अच्छी है पेडल्स की, काफ़ी सॉलिड और मस्त लग रही है एकदम क्वालिटी। स्टैंड आप देख सकते हो, स्टैंड भी मस्त है एकदम। नीचे थोड़ा सा रबर प्लास्टिक यहाँ पे दिया हुआ है, बाकी ये तो पूरा अलॉय है जो यहाँ पे दिया हुआ है। तो आई थिंक ये अच्छा है, आई थिंक सरफेस के हिसाब से ये दिया गया है। तो ऑल दिस इज एक्सट्रीमली गुड, एक्सट्रीमली इम्प्रेस। ऑलराइट पीपल, अब हम बात करेंगे इनके स्पेसिफिकेशंस के बारे में। सो कमिंग टू द हार्ट ऑफ दिस साइकिल, विच इज़ हीरो इलेक्ट्रो लिखा हुआ है यहाँ पे। ये इसकी बैटरी है, ये बैटरी अनलॉक करके मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो इस तरह से ये पूरी बैटरी बाहर आ जाती है, बहुत हैवी है यार, लेकिन ठीक है यार, अब इतनी बड़ी साइकिल को परफॉर्मेंस प्रोवाइड करने तो थोड़ा हैवी तो रहेगा ही। 36 वोल्ट्स की ये बैटरी है, 11.6 AH लिथियम आयन बैटरी है ये। इस तरह से ये लग गई, मैंने आपको दिखाई लगा के, IP67 रेटिंग है इसकी, वाटर प्रूफ है ये। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये इसका USB चार्जर है ये वाला, और यहाँ पे है पिन चार्जर ये छोटा वाला, अगर आप लोग देख सकते हो ये वाला है, टू इफ़ यू वांट टू करंट जो होता है आपको प्लग इन में लगाना है, जैसे लगाना है उस तरह से। अब चलते हैं यहाँ पे आ जाओ, तो यहाँ एक बहुत स्पेशल चीज़ है, ये पीछे आप देख सकते हो, तो ये क्या कहते हैं हमारे डिस्क ब्रेक्स के पीछे, ये है इस साइकिल की मोटर, जो कि 250 वाट्स की है। जितनी भी एनर्जी जनरेट होती है सारी मोटर के थ्रू ही होती है, तो ये मोटर के बिना साइकिल कोई काम की नहीं है। दूसरे साइड आ जाओ अगर आप घूम के, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 7-speed गियर्स दिए हुए हैं यहाँ पे, विथ ऑल द परफेक्टली अलाइंड और काफ़ी अच्छी तरह शेप्ड किए गए हैं सारे गियर सिस्टम सब कुछ। यहाँ पे आप देख सकते हो 7-speed की बैजिंग दी गई है यहाँ पे। यहाँ पे आप आ जाओ थोड़ा सा आगे, तो ये रहा इसका गियर, शिमारू का गियर है ये। ये बढ़ाने के लिए, अगर आपको गियर बढ़ाना है, ये आपका कम करने के लिए, मैं ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं कर नहीं रहा हूँ। अब हम देखेंगे नेक्स्ट फीचर, तो ये इसकी सीट, सीट भाई कमाल की है, एकदम नारो सीट है, तो एकदम स्पोर्टी लुक दे देता है एंड आई थिंक काफ़ी कंफर्टेबल रहेगी ऑन योर हिप्स एज वेल। ये जो इन्होंने यहाँ पे कुशनिंग और पैडिंग है बहुत अमेजिंग है। कमिंग टू दिस साइड अहेड आ जाते हैं हम, तो ये रहे हमारे हेडलाइट, ये आगे के और पीछे के, मैं आपको चालू बंद करके ये दिखा दूंगा, आप स्क्रीन पे देख सकते हो यहाँ पे। फिर आ जाओ नीचे, तो यहाँ पे डिस्क ब्रेक दिए गए हैं आपको, ये डिस्क ब्रेक्स यहाँ पे दिए गए हैं हमें, और यहाँ पे पीछे भी अटैच है, जैसे कि आप यहाँ पे भी देख सकते हो, ये भी डिस्क ब्रेक यहाँ पे दिया है, आगे पीछे दोनों जगह डिस्क ब्रेक है, तो भाई बहुत सही चीज़ है। अब आ जाओ सस्पेंशन के पास, तो ये 60mm का सस्पेंशन है इसके अंदर। थोड़ा सा ऊपर आ जाओ, तो इसके अंदर एक बहुत सही फीचर दिया गया, जो कि लॉक करने का फीचर है। ये मैंने कर दिया अनलॉक, तो आप लोग देख सकते हो ये हो गई है लॉक। अब मैं इसे कर देता हूँ यहाँ पे अनलॉक, तो ये इसका सस्पेंशन तो बहुत सही लग रहा है यार। आई थिंक मडी रोड्स पे या ट्रेल साइड कहीं जाओगे साइकिल चलाने, तो परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहेगी। आ जाओ थोड़ा यहाँ पे, तो फिर ये है यहाँ पे, आपको दिखा देगा, अगर आपको थोड़ा नज़र आ रहा है यहाँ पे, आपको पता चल जाएगा कि आपकी बैटरी परसेंटेज क्या है। FE दिया गया है, तो उससे पता चल जाएगा, ई मतलब सबसे कम, F मतलब फुल है, काफ़ी ऑब्वियस चीज़। अब आ जाओ हैंडल के पास, तो हैंडल हमें काफ़ी कुछ ऑफर कर रहा है। सबसे पहले तो अलॉय हैंडल मैं बता चुका हूँ। अब मैं अगर ये हैंडल की तरफ देखूँ, तो ये इसका LED डिस्प्ले है, जिसमें 3 मोड दिए गए हैं साइकिल में, लो, मीडियम, हाई।
जैसे जैसे आप मोड्स चेंज करते हो या अगर आप मोड में कोई भी फॉर्मेट करते हो, तो लो में आपका पेडल थोड़ा सा ईजी पड़ जाएगा चलाने के लिए, मीडियम में और हाई में उससे भी ज़्यादा सिंपल। एल एच आप देख सकते हो यहाँ पे दिया गया है, तो एल एच में आपको पता चल जाएगा बैटरी यहाँ पे लो है या हाई है, उसका सिग्नल यहाँ पे भी आ जाएगा। जैसे मैंने अगर ये चालू कर दिया, यू कैन सी द लाइट्स जो यहाँ पे जल रही है, और ये है इसकी स्मार्ट की, अगर आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ये देखो मेरे हाथ में स्मार्ट की है, तो इसका मैं इसको यहाँ लगा दूंगा, मैं ये सेंसर्ड है पूरा, तो अपने को पता चल जाएगा क्या सीन है भाई हमारी बैटरी का। दो डॉट यानी कि आधी बैटरी है इसके अंदर, और लो मीडियम पे ये लो सेटिंग पे सेट है ये ऑलरेडी, तो ये वहाँ से अब इसको मैं बंद कर देता हूँ, बैटरी सेव करेंगे। अब आ जाओ यहाँ पे ये वाले हैंडल के पास, तो ये है हमारा थ्रॉटल, इससे हमारी जो हमारा व्हील है वो चलने लग जाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, मैं इसका ऑन कर देता हूँ एक बार, ये यहाँ लगा दिया मैंने इसका सेंसर, और अब आप देखो जैसे ही मैंने थोड़ा थ्रॉटल दिया तो ये दिया मैंने ऑन किया, और ये देखो ये चल रही है हमारी मस्त साइकिल। ये लगा दिया मैंने ब्रेक अभी, अब इसको यहाँ पे ये ऑन ऑफ वाला बटन है यहाँ पे, इसको मैं कर देता हूँ अभी ऑफ, और हम साइकिल कर देंगे अभी बंद यहाँ पे। अब चलते हैं हम कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ें डिस्कस करने के लिए। तो फिर इसके अंदर एक बहुत ज़्यादा जो सुपर चीज़ है वो है इसकी वायरिंग लिमिटेड है, कम से कम वायरिंग है। आप कोई भी साइकिल देखो बहुत सारी वायरिंग लगी होती है यार, लेकिन इसके अंदर ऐसी कोई भी बात नहीं है। वायरिंग चार वायर होगी, मैंने अगर गिनी भी अगर बैठ के तो सिर्फ चार वायर्स है इसके अंदर। सबसे महंगी आफ्टरऑल क्यों ना हो, सबसे महंगी साइकिल है हीरो इलेक्ट्रो F6i। अब मैं ये साइकिल को ले जाऊँगा रोड के ऊपर, और उसके बाद मैं आपको बताऊँगा क्या इसकी रेंज है, क्या परफॉर्मेंस है, क्या एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस है, एंड मेनली व्हाई यू शुड बाय दिस, एंड किन लोगों के लिए ये सूटेबल है। सो पीपल लेट्स गो आउट ऑन द रोड। ऑल राइट पीपल, अभी हम ये साइकिल को रोड पे लेके जाएंगे, इसकी रोड पे टेस्टिंग करेंगे, फिर इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस और रेंज सबके बारे में बात करेंगे। सो लेट्स गो। अभी मैंने जो साइकिल पिकअप की है वो सिर्फ पेडल पे की है, थोड़ा सा थ्रॉटल दिया मैंने। ओके, सो साइकिल प्रोवाइड, ये साइकिल में हमें मिल जाते हैं कुछ 4 राइडिंग मोड्स मिल जाते हैं हमें, 4 राइडिंग मोड्स में आ जाता है, एक तो पेडल थ्रॉटल आ जाता है, एंड देन हमें मिल जाता है एक फीचर जिसमें पेडल और थ्रॉटल आप साथ में कर सकते हो, एंड विद पेडल थ्रॉटल साथ में देर इज़ अनदर मोड विच इज़ द क्रूज कंट्रोल इन दिस साइकिल। तो मैं क्रूज कंट्रोल पे एक बार इसको डाल के देख देता हूँ, आई वॉन्ट टू सी कि साइकिल के अंदर ये लोग ने क्रूज कंट्रोल क्यों दिया गया है। जैसे ही मैंने क्रूज कंट्रोल पे यहाँ पे डाला, थोड़ा सा लाइट हो गया यहाँ पे, मैं ना थ्रॉटल दे रहा हूँ ना मैं पेडल कर रहा हूँ, लेकिन 6 किलोमीटर की ही ये है, क्या कहते हैं हमारी स्पीड इसकी। आपने देखा मेरी स्पीड एकदम स्लो हो गई है, थोड़ा सा भी मेरे को मतलब क्या कहते हैं थोड़ी सी भी पावर मेरे को फील नहीं हो रही क्रूज़ कंट्रोल के टाइम भी। बट द पॉइंट इज़ दैट मेरे को ये क्रूज़ कंट्रोल वाला फीचर इतना सही नहीं लगा। सेलिंग पॉइंट के हिसाब से ठीक है ये फीचर, लेकिन यू नो फॉर अ प्रैक्टिकल यूसेज इन अ साइकिल 6 किलोमीटर पर आर कोई कंपैरिजन नहीं। तो इसको मैं क्रूज कंट्रोल से हटा देता हूँ लॉन्ग प्रेस करके। यस, नाउ वे बैक। जैसे कि मैं बता चुका हूँ 4 मोड्स है इसके अंदर। अगर आप सिर्फ थ्रॉटल पे इसको चलाते हो तो आपकी रेंज आ जाती है कुछ 50 किलोमीटर के अराउंड, और अगर आप पेडल पे चलाते हो ये मतलब पेडल और थ्रॉटल अगर साथ में चलाते हो तो 60 किलोमीटर्स की रेंज है। कुछ लोगों ने क्लेम किया है कि उन्होंने इससे ज़्यादा रेंज भी निकाली है, सो आई एम नॉट रियली श्योर अबाउट दैट। लेकिन हाँ, अगर आप थ्रॉटल और पेडल साथ में चलाओगे तो फिर आपकी रेंज ज़्यादा ही निकलने वाली है। एनीवे, नाउ कमिंग टू द मोड जो साइकिल में प्रोवाइड किए गए हैं, आई एम राइडिंग ऑन द लो मोड जो पेडल असिस्ट मेरी हेल्प कर रहा है। सो व्हेनेवर आई एम पेडलिंग एज यू गाइस कैन सी, मुझे एक हल्का सा पुश मिल रहा है फ्रॉम द साइकिल जो कि पेडल असिस्ट की कृपा है। ये स्विचिंग ऑन टू द मीडियम मोड, नाउ मीडियम मोड पे अभी कर लिया मैंने स्विच, तो भाई अभी एक और थोड़ा सा पुश मिला मेरे को विच मेक्स द पेडल एक्सट्रीमली लाइटर अगेन, और पेडल लाइट हो गया है। 7th गियर पे चला रहा हूँ, इसके लिए थोड़ा पेडल करना डिफिकल्ट हो रहा है, थोड़ा सा इसका गियर कम कर देता हूँ मैं। कर दिया मैंने 3rd के ऊपर इसको कर दिया स्विच सीधा, बहुत ज़्यादा पेडल करना पड़ रहा था यार। एनीवे, मीडियम पे चल रहे हैं, मस्त चल रही है, बटर है पूरी साइकिल। मैं पहले चला चुका हूँ ये, आई हैव टेस्टेड दिस साइकिल फॉर 2 डेज आराम से, ये रिव्यू के चक्कर में ही 2 दिन मैंने साइकिल आराम से चला ली है,
सो मीडियम मोड पे चल रहे हैं अभी, सिर्फ पेडल कर रहा हूँ. एक्सट्रीमली गुड परफॉर्मेंस. नाउ आई विल स्विच दिस टू द हाई मोड और एक गियर ऊपर भी बढ़ा दूंगा मैं. तो मैं अभी हाई मोड पे स्विच किया. ओह वाओ, ये मेक ऐसा लगा कि वो नाइट्रोस ऑक्साइड वो करते हैं ना वो मूवीज़ के अंदर, आप देखो अगर इंग्लिश मूवीज़ में, वैसी एक फील आई. बहुत ज़्यादा मेरे को एक पुश मिला. तो आई थिंक अगर आप लॉन्ग राइड पे ये चलाओगे फॉर लॉन्ग पर्पसेस, तो यहाँ पे आप ज़्यादा थकने नहीं वाले हो, स्पेशली व्हेन यू आर पेडलिंग एज वेल. एक सेकेंड, अभी थोड़ा दूर आते हैं हम. नाउ आई एम ऑन द टॉप परफॉर्मेंस ऑफ दिस साइकिल. हाई मोड पे चल रही है, थोड़ा सा मैं पेडल करता हूँ एकदम पुश मिलता है मेरे को, तो ये बहुत सही है. सिर्फ पेडल करो. नाउ थ्रॉटल देंगे, थ्रॉटल दे रहा हूँ मैं अभी. एंड नाउ अभी हम एक चढ़ाई के ऊपर इसको लेके जाएंगे और वहाँ पे देखेंगे. लो मोड पे चढ़ाऊँगा मैं इसको, गियर भी कम कर देंगे एंड देन वील सी वहाँ पे इसकी क्या परफॉर्मेंस है. अभी इसको चढ़ाई के ऊपर लेके जाएंगे. मेरा सेटिंग लो मोड पे है और अभी फोर्थ गियर पे चल रहा हूँ मैं. सो लेट्स गो, देखते हैं चढ़ाई के ऊपर क्या है परफॉर्मेंस इसकी. पेडल कर रहा हूँ मैं, सिर्फ पेडल छोड़ रहा हूँ. अभी थ्रॉटल लेंगे क्योंकि हमें साइकिल की पावर देखनी है, जो इसके अंदर बैटरी है 250 वॉट्स की, क्या पावर है उसकी. सिर्फ थ्रॉटल पे चढ़ा रहा हूँ मैं साइकिल अभी राइट नाउ, और बहुत इजीली आराम से चढ़ गई साइकिल, कोई टेंशन नहीं. थोड़ा सा मेरे को लगा, एक वो थोड़ी सी किक होती है ना जब आप ऊपर चढ़ते हो, यू नो दैट, जो पावर आपको पता चलता है ना, जैसे आप, जैसे हमारे इंजन में सीसी बढ़ जाती है तो पता चलता है. थोड़ा सा मेरे को कम फील हुआ, लेकिन कन्वीनियंटली साइकिल के हिसाब से आराम से चढ़ गई है. कोई साइकिल को थोड़ा सा फास्ट लेके जाएंगे हम. थ्रॉटल पे मीडियम स्विच किया मैंने अभी, पेडल दे रहा हूँ ये हाई मोड पे. जैसे हम थोड़ा आगे पहुँचेंगे, थोड़ी चढ़ान भी है तो एकदम फास्ट चलेंगे हम. गियर स्विच कर रहा हूँ मैं अभी टू फिफ्थ गियर. वाह, मस्त पावर है यार साइकिल के अंदर, बहुत सपोर्ट कर रहा है मेरे को जब मेरे को पावर चाहिए. तो सिक्स गियर पे चेंज किया मैंने अभी ये. अमेजिंग. अब मैं आपको बताऊंगा इसकी प्राइस. ये साइकिल की प्राइस है 54,999, 55,000 की साइकिल है ये. ये है ये साइकिल का चार्जर, आप लोग देख सकते हो ये डब्बा है. ओपन करके देखेंगे क्या क्या चार्जर हमें प्रोवाइड करता है एंड ऑल्सो किस तरह से आप इसको चार्जिंग कर सकते हो. रिमेंबर रिमूवेबल बैटरी पैक है इसका, तो फिर बहुत कन्वीनियंट हो जाएगा चार्ज करने के लिए. नाउ लेट सी क्या है ये बैटरी ये चार्जर के अंदर. ये मैंने चार्जर ओपन कर दिया है यहाँ पे, अब मैं निकालता हूँ. ये एक अडाप्टर बाहर आ गया है. ओके, वी हैव एन अडाप्टर. ये एक अडाप्टर है हमारे पास. ये पिन है इसके अंदर, ये वाला जो मैं आपको ऑलरेडी पिन दिखा चुका हूँ जहाँ पे आपको इंसर्ट करना है. एंड ये हमारा प्लग इन करने के लिए विद द करंट. ये करंट के साथ आप इसको आप यहाँ पे इस तरह से लगा लो, यहाँ पे इस तरह से अटैच हो गया. एंड देन इसके बाद आप साइकिल के अंदर इसको अगर आपके यहाँ इस तरह से इंसर्ट करना है, एंड अगर आपके पास कहीं पास में ही जगह हो जहाँ पे आप इसको चार्ज कर सकते हो सोसाइटी में, या अगर आपके इंडिविजुअल हाउसेज है तो आप वहाँ कर सकते हो. लेकिन अगर नहीं है भैया वो ऑप्शन आपके पास, तो अपने पास ये समस्या का भी समाधान दिया है इसके अंदर. खोल दो बैटरी, कोई टेंशन की बात नहीं. एक सेकेंड, खोल दी मैंने बैटरी एंड नाउ ये बैटरी आ गई अब मेरे हाथ में. एंड नाउ आई कैन जस्ट प्लग इट इन. आप लोग देख सकते हो कैसे मैंने प्लग इन कर दिया प्लग के अंदर, करंट के अंदर. इट्स सो इजी टू डू. थोड़ी सी बैटरी भारी है, लेकिन आप घर पे अगर आप कहीं रेस्टोरेंट जा रहे हो या कम्यूटिंग पर्पस के लिए ऑफिस जा रहे हो या कॉलेजेस जा रहे हो, तो वहाँ पे इजीली आप लोग इसको चार्ज कर सकते हो. तो इसका चार्जर बहुत सही है. 3 से 4 घंटे लगते हैं इसको फुल चार्ज होने के लिए. अब मैं इसके तगड़े फीचर जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, जो बहुत इंटरेस्टिंग फीचर है इसके अंदर, वो है ब्लूटूथ इंटेलिजेंट कनेक्ट. सिंपल भाषा में ब्लूटूथ है इस साइकिल के अंदर. आप इसको एक ऐप से कनेक्ट कर सकते हो. प्ले स्टोर के अंदर इंस्टॉल कर रहा हूँ मैं अभी हीरो इलेक्ट्रो ऐप. फटफट इंस्टॉल हो जाएगी, जल्दी जल्दी देखना. अब ये हो गए इंस्टॉल एंड नाउ वील ओपन दिस ऐप. अब ये शायद मेरे हिसाब से सेटअप ऑप्शन आ जाएगा जिसके अंदर मैं अपना मोबाइल नंबर डाल दूंगा, सब कुछ. फ़ोन नंबर डाल दिया मैंने, मेरा OTP आ जाएगा. OTP से लॉगिन करना है. एंड जैसे ही OTP से लॉगिन हो रहा है ये, एक सेकेंड,
जैसे OTP लॉग इन हो गया, ये इस तरह से कुछ आ जाती है परमिशन वर्मिशन मांग के। इस तरह से आप देख सकते हो यहाँ आया हुआ है हाई रोचक सक्सेना, वेदर कंडीशंस दिखा रहा है, राइड्स लिखी हुई है, लाइफ स्टेटिस्टिक्स, डिस्टेंस, कितनी कैलरीज आपने बर्न की टुडे, टोटल कार्बन, और इसके अंदर एक्सप्लोर आर रेंज के अंदर भी काफ़ी ऑप्शन दिए हुए हैं। तो ये भी एक बहुत सही फीचर है। स्टार्ट राइड अगर मैं करता हूँ यहाँ पे, फिर परमिशन मांगी उसने, राइट स्टार्टेड करके बोल रही है भाई एप्लीकेशन में जो मोहतरमा है। एंड नाउ यू कैन सी द करंट स्पीड, द ड्यूरेशन, द डिस्टेंस, एंड जो भी यहाँ पे सारे ऑप्शन दिए, एंड पॉज, हर चीज़ का ऑप्शन दिया गया है। तो आई थिंक ये एक बहुत अच्छा फीचर है, यू कैन ट्रैक योर राइड्स। ऑलराइट पीपल, अभी हम इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करेंगे। देखो, मैंने साइकिल आराम से चला ली होगी अभी तक 25 किलोमीटर्स की। मुझे जो एडवांटेजेस इसमें लगे वो ये हैं कि इट इज़ ग्रेट फॉर कम्यूटिंग पर्पस। एब्सोल्युटली, अगर आप एक अपनी स्कूटी या बाइक को डिच करना चाहते हो और अगर आपको एक ऐसा माध्यम चाहिए, ऐसा मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट चाहिए जो बहुत सस्ता हो, आराम से आपके आपको जहाँ जाना है वहाँ पर आराम से पहुँच सकते हो, तो आई थिंक इलेक्ट्रिक साइकिल हीरो की F6i इज़ द वन फॉर यू पीपल। बहुत आराम से चल जाएगी साइकिल, कोई दिक्कत नहीं है। स्कूटी बाइक जितनी अच्छी परफॉर्मेंस ऑब्वियसली नहीं है, लेकिन हाँ, विथ कमिंग टाइम एक सॉलिड टक्कर दे सकती है ये। कमिंग टू द सेकेंड डिसएडवांटेज, जो सेकेंड डिसएडवांटेज मुझे ये साइकिल एडवांटेज जो मुझे इस साइकिल में लगा, वो ये है कॉस्ट इफेक्टिव है एकदम। ज़्यादा खर्चा नहीं होगा, सिर्फ लुब्रिकेंट्स गियर के अंदर लगाने के, रेगुलर चेकअप्स आपके लगेंगे, दैट इज़ इट। मुझे नहीं लगता इसके अंदर और कोई होने वाला है। आई लव द एडजस्टेबल हैंडल एज वेल जो यहाँ पे लोग ने दिया हुआ है। आप अपना टूल किट के साथ इसको ऊपर भी कर सकते हो, तो ये भी एक अच्छा फीचर इन्होंने प्रोवाइड किया हुआ है। एंड द थर्ड एडवांटेज दैट आई फाइंड इन दिस वन इज़ ये सुपर्बली कूल साइकिल है यार एकदम। आई मीन जस्ट हैव अ लुक एट दिस ब्यूटी, मतलब इलेक्ट्रिक साइकिल है, क्या सुंदर दिखती है, क्या कलर है। बैटरी भी इतनी मोटी इन्होंने डाली ना, वो थोड़ा सा रॉबस्ट और वो थोड़ा सा एक क्या कहते हैं, एक वो मस्कुलर लुक आ जाता है नीचे से। इट इज़ सुपरबली कूल। आई नो 55,000 एक बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है, लेकिन यार EMI पे ले लेना यार। यू हैव अ लॉट ऑफ हेल्प फ्रॉम द बैंक्स, फ्रॉम द फाइनेंशियल सेक्टर्स ऑफ आर कंट्री, जहाँ पे आप लोग ये इजीली अफोर्ड कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से दिस वुड बी द बेस्ट चॉइस फॉर यू पीपल। कमिंग नाउ टू द डिसएडवांटेजेस, डिसएडवांटेज मेरे को साइकिल में ये लगा कि यार 55,000 की साइकिल है ये, ठीक है, लेकिन 55,000 की साइकिल के अंदर भी भाई ये लोग ने 7 गियर ही दिए, कुछ 21 गियर दे देते। 55,000 रुपये ले रहे हो तो कम से कम गियर का तो लुफ्त उठा सकते थे, बट आई अंडरस्टैंड बिकॉज इट्स एन इलेक्ट्रिक साइकिल, तो इन्होंने गियर भी कम दिए सो दैट वायरिंग भी कम हो जाए। आई थिंक जो वेट भी है पड़ेगा इसके ऊपर वो, और द मोटर हाउ इट्स फिटेड, तो उस हिसाब से बैलेंस करने के लिए दिया। एंड सेकेंड डिसएडवांटेज मेरे को लगा इसका ये LED डिस्प्ले, थोड़ा बेटर LED डिस्प्ले दे देते यार, कम से कम डिजिटल दे देते, आई कुड सी मेरे किलोमीटर्स कितने हुए हैं या कितनी चल गई है साइकिल, वो सारी चीज़ें भी बता सकते थे। उस हिसाब से थोड़ा मेरे को, मतलब आई एम नॉट वेरी हैप्पी विद द LED डिस्प्ले। एक पॉइंट ये, एक और डिसएडवांटेज ये है जो मैं बताऊंगा, इसको ओपन पार्किंग में अगर पार्क करोगे, जैसे सोसाइटी में, मेरी सोसाइटी में भी ओपन पार्किंग है, वहाँ पार्क करोगे ना यार, तो फिर बच्चे स्क्रैच मार देते हैं। अब पता नहीं बारिश के अंदर भी इसकी कैसी परफॉर्मेंस है। वैसे वाटरप्रूफ तो आई होप ये हो ही, आई पुट डाउन कि इसका क्या है कन्फर्म जो डिटेल है, बट हाँ, मतलब खुले में छोड़ना ये साइकिल थोड़ा रिस्की है, स्पेशली इन द सोसाइटी जहाँ पे बच्चे बच्चे हमेशा रेगुलरली खेलते हैं। ऑल राइट पीपल, दो रीज़न दूंगा खरीदने के, फिर वीडियो एंड कर दूंगा। फर्स्ट रीज़न इज़, अगर आप पेट्रोल, डीजल, CNG किसी भी, अगर आप पेट्रोलियम या अगर आप ऑयल से स्विच कर रहे हैं टू एन इलेक्ट्रिक फॉर कम्यूटिंग पर्पस, F6i हीरो इलेक्ट्रो बेस्ट ऑप्शन है। आई नो एक्सपेंसिव है, 55,000 वन टाइम खर्चा है, लेकिन उसके बाद ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप काफ़ी पैसे सेव करने वाले हो। सेकेंड रीज़न आई वुड से इज़ द कम्प्लीट एक्सपीरियंस। देखो, किसी को भी बोलोगे मुझे 55,000 की साइकिल खरीदनी, इवन खुद को भी बोलोगे तो मन नहीं मानता है, लेकिन वंस यू राइड दिस, वंस यू नो ये क्या प्रोवाइड करता है, वंस यू नो द एक्सपीरियंस ऑफ द थ्रॉटल, ऑफ द बैटरी, ऑफ द पेडल असिस्ट, ऑफ द मोटर, एवरीथिंग बहुत सुपरबली एक्सट्रीम है। माई फेवरेट पार्ट ऑफ दिस होल साइकिल वॉज द पेडल असिस्ट, जो कि लो, मीडियम, हाई पे हमने टेस्ट किया था, आप देख सकते हो।
ऑल्सो ये साइकिल येलो कलर में भी आ जाती है, वो अवेलेबल नहीं है. यू कैन सी द इमेजेस ऑन द स्क्रीन. सो दिस इज इट फ्रॉम द वीडियो पीपल. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. आई होप दिस वीडियो वॉज रियली रियली हेल्पफुल. मुझे कमेंट्स में बताना आप लोगों को क्या अच्छा लगा है साइकिल के बारे में, और अगर कुछ बुरा भी लगा हो तो वो भी बता सकते हो. यू कैन सी द हैंडल ऑन द स्क्रीन. इंस्टाग्राम हैंडल दिख रहा होगा, जाके फॉलो करो. यू कैन टॉक टू मी ऑन इंस्टाग्राम अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो. सो दिस वॉज इट फ्रॉम द वीडियो पीपल. लाइक शेयर सब्सक्राइब जल्दी कर दो यार. वेन यू गाइज सब्सक्राइब आई नो यू गाइज आर रिस्पॉन्डिंग टू माई वीडियोज. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम.